के बाद पौधारोपण होगा और उसके साथ राष्ट्रगान। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम, वंदे मातरम मातरम मातरम, वंदे मातरम। पार्टी कार्यकर्ता जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह राव ठाकुर। आप सबको सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल तस्वीरें समय के जम्मू के भारत माता चौक से दिखाए रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि आज जुगल किशोर एमपी यहां पर पहुंचे हैं और युद्धवीर सेठी भी यहां पर पहुंचे हैं, जो यहां पर आज तिरंगा जो है वो इस गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है यहां पर इन्होंने यहां पर लहराया है। सर क्या कहना चाहेंगे आज गणतंत्र दिवस के मौके पर? देखिए आज देश 174वां गणतंत्रता दिवस जो है वो मना रहा है और 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, हम ये जो दो त्यौहार हैं ये उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज पूरे देश में उत्सव के रूप में 26 जनवरी का दिन मनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हुए देश का मान सम्मान बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का मान सम्मान बढ़ा है उससे ये लगता है कि आज दुनिया जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना नेता मानती है। नरेंद्र भाई मोदी देश के ही नहीं विश्व के नेता बने हैं, उनके नेतृत्व में ये देश जो है वो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि भाई चहुमुखी विकास जो है इस देश का हो रहा है। विकास के साथ साथ यो ऐसे मुद्दे जो बरसों पुराने थे जिनका कोई हल नहीं हो सकता था, उन सब समस्याओं का भी समाधान हुआ है। विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से हटने के बाद जिस तेज गति के साथ विकास आगे बढ़ रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इस मौके पर देश की जनता और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता से कहूँगा कि आओ हम सब मिलकर नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी और देश के नेतृत्व के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़े और इस देश को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। ये देश बहुत जल्द विश्व गुरु बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।